गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम RACIT के यूनिट 11 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आप भी हमारे साथ में इसका यूनिट पढ़ते जाएं और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल करते जाएं। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो हमें एक बार जरूर बता दें वापिस। चलो स्टार्ट करते हैं। हम यूनिट 11 अध्ययन कर रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक। माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें हम टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, कई प्रकार के ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए इसे काम में लेते हैं। इसमें हम प्रिंट करने की सुविधा भी प्रदान कराता है। यह हमारे दस्तावेज को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से सेव भी रख सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग को अत्याधुनिक शॉर्ट हैंड तकनीक के प्रकार से भी देखा जा सकता है, जिसका नाम कई बार मॉडिफाइड टाइपराइटर या कंप्यूटर के प्रसंग में भी कहा जाता है। आज हम इस यूनिट में जो अध्ययन करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट आपको अपने लैपटॉप में या पीसी में इंस्टॉल करना होगा। आप अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करने के लिए आप कहीं से माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड कर लेवें या अदरवाइज इसकी सीडी ला के अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेवें। अब हमको खोलना सिखा रहे हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ओपन करेंगे। आप तो सबसे पहले आप आपका विंडोज़ बटन है जो स्टार्ट बटन के नाम से जाना जाता है, उस पर क्लिक करें। यहाँ पर लिख दें माइक्रो सॉफ्ट वर्ड 2010। तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दिखाई दे रहा होगा। अब हम इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद में हम आज सबसे पहले अध्ययन करेंगे इसके बारे में, डॉक्यूमेंट पर कैसे कार्य करना है, वर्किंग विथ डॉक्यूमेंट्स। हम आपको इसके बारे में इंट्रो बता रहे हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या है। देखिए, हम जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं तो उसका नाम यहाँ पर शो होता है। जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा डॉक्यूमेंट्स टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये जो हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं उन सबका नाम शो होता है, ठीक है। फिर इसके बारे में हम बताते हैं कि सबसे ऊपर जो आपको ये बार दिख रही है इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार जो आप अपने RACIT की बुक्स 156 पेज नंबर पर एक डायग्राम 11.1 आप देख सकते हैं। इस पे आपको दिखाया गया है कि सबसे ऊपर वाली जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार है। सेकंड जो आपको रिबिन दिखाई दे रही है ये रिबिन है, ये पूरी रिबिन कहलाती है। और इसमें जो होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये ऑप्शन सभी टाइटल बार, ये टाइटल बार कहलाते हैं। इसके बाद में ये जो नीचे वाला जो है जिसके अंदर होम के ये ऑप्शन शो हो रहे हैं ये सभी आपके रिबिन कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के बारे में। ये दो हैं जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहलाते हैं, जिसे हम क्लिपबोर्ड और फॉन्ट दोनों कहते हैं। इसके नीचे क्लिपबोर्ड और फॉन्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। इसके बाद में आपको ग्रुप नेम्स भी दिखाई दे रहे होंगे, ये पैराग्राफ्स एंड स्टाइलिश ये ग्रुप्स नेम्स हैं। और इसके बाद में जो आपको इस पेज पे जिस डॉक्यूमेंट्स पे हम टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो इस पे ब्लिंक करता हुआ आपको कर्सर दिखाई दे रहा होगा, इसे हम कर्सर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इधर साइड में कभी कभी नेविगेशन की बार भी आती है जो आप रिव्यू व्यू में जाके आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेविगेशन पैनल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नेविगेशन पेन भी शो हो जाती है। तो यहाँ से ये नेविगेशन शो हो गया, तो आपके बुक्स के दिखाई अनुसार आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर नाम आ रहा है नेविगेशन। आप व्यू में जाके इसमें शो पे क्लिक करके नेविगेशन पेन पे भी क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहा है इसे डॉक्यूमेंट्स विंडो के नाम से जानते हैं। साइड में आपको एक एक कर्सर दिख रहा है, स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं, इसे वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। नीचे नीचे आपको जूम स्लाइडर दिखाई दे रहा है, इसे जूम स्लाइडर कहते हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट्स को जूम करने के काम में आता है। फिर नीचे नीचे आपको स्टेटस बार दिखाई दे रही है जिसपे आपको पेज नंबर शो हो रहा है, वर्ड शो हो रहा है, और इसमें आपको ये चेकिंग फॉर प्रूफिंग एरर्स शो बताएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रिंट लेआउट, प्रिंट फुल स्क्रीन रीडिंग एंड ड्राफ्ट आपको शो हो रहा है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्विक एक्सेस टूल बार की। क्विक एक्सेस टूल बार अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे पहले वाली बार होती है जो सबसे ऊपर दिखाई देती है। इसके अंदर हमारे पास चार पाँच ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे। इसमें सबसे पहले सेव का है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल एस है। फिर हमारे पास ये अंडू है जिसे अपन कंट्रोल जेड से शो करेंगे। फिर इसके बाद में आप कांट अंडू कंट्रोल जेड से करेंगे। इसके बाद में ये है रिफ्रेश के लिए जो कंट्रोल वाई, सॉरी रीडू, जो कंट्रोल वाई से शो करेंगे। इसके अलावा हम इस क्विक एक्सेस टूल बार में आप न्यू
ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे आप न्यू का करना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक कर दें, ओपन पे क्लिक करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक कर दें, इसी प्रकार ईमेल पे, क्विक प्रिंट पे और प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट पे, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। हम आपको एक ऐड करके बता रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर हमारे ईमेल या ओपन या क्विक प्रिंट इसमें से एक चॉइस करके यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। जैसे हम स्पेलिंग ग्रामर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके स्पेलिंग ग्रामर भी शो हो गया, देखा होगा आपने, ABC दिखाई दे रहा है राइट क्लिक के साथ में, तो ये स्पेलिंग स्पेलिंग आ गया। इसमें स्पेलिंग त्रुटि जो भी दिखाई दे रही है, स्पेलिंग ग्रामर F7 जो इसका शॉर्टकट है, ये अपने स्पेलिंग को चेक करेगा और हमें बताएगा कि ये रॉन्ग है या सही है। तो इसका मतलब क्विक एक्सेस टूल बार, ये टूल बार फाइल टैब के बगल में होती है और इस टूल बार में निम्न ऑप्शंस रहते हैं, जैसे सेव, अंडू और रीडू। आप जानते हैं सेव का शॉर्टकट है Ctrl+S एंड अंडू का शॉर्टकट है Ctrl+Z एंड रीडू का ऑप्शन है, जो रीडू आपको दिखाई दे रहा है इसका है Ctrl+Y। अब आप इनके शॉर्टकट, जैसे आप इस माउस के कर्सर को उसके ऊपर ले जाके शो रखेंगे तो वैसे वैसे आपको इसके शॉर्टकट दिखाई देते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो गया अपना फाइल टैब। अब आप इस फाइल टैब पर जब क्लिक करेंगे तो फाइल टैब के ऑप्शन शो हो जाएंगे। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको सेव का ऑप्शन दे रखा है, सेव Ctrl+S के लिए, Ctrl+S के साथ हम सेव कर सकते हैं, फिर सेव एज है, फिर ओपन है, फिर क्लोज है, फिर इन्फो है। इस डॉक्यूमेंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसमें आपको दिखा है, देखो इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स नंबर 1, फिर इसमें परमिशन है, एनीवन कान ओपन कॉपी चेंज एनी पार्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, ये दिखाई दे रहा है आपको, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हो आप इससे। फिर इसके बाद में रिसेंट जो आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं उसके बारे में दिखाएगा, न्यू है यानी आप न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए है, प्रिंट करने के लिए ये है, एंड आप सेव करके उससे सेंड करने के लिए ये ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा इसमें अगर आप हेल्प चाहिए तो इस हेल्प पे क्लिक करके आप इसमें हेल्प देख सकते हैं, जिसमें इस डॉक्यूमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा नीचे नीचे ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारंभ करना और ऑनलाइन हेल्प इत्यादि इसी में मिलेंगे। इसके बाद में आपको एग्जिट जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करते ही इसे एग्जिट कर सकते हैं, तो ये एग्जिट का ऑप्शन हो गया। तो ये फाइल का ऑप्शन है, तो आपका 158 पेज नंबर पे आपके RECIT बुक्स में इसमें दे रखा है, तो एक बार आप इसकी रीडिंग करें जिसमें आपको इसके शॉर्टकट आपको देखने हैं कौन कौन सी चीज़ों के क्या क्या शॉर्टकट है। उसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नई फाइल बनाना एवं सेव करना। अब हम आपको सिखाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और किस प्रकार उसे सेव करते हैं। तो सबसे पहले आप न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अवेलेबल टेम्पलेट्स दिखाई दे रहा होगा आपको, तो अवेलेबल टेम्पलेट्स में आप इस ब्लैंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सीधा आप साइड में आएंगे, राइट क्लिक, राइट की तरफ यहाँ पर आपको क्रिएट एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते ही आपका पेपर यहाँ पर, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स शो हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्स में आप टाइपिंग कर सकते हैं, इसमें आप फोटो ले सकते हैं, इसमें आप इसमें आप टेबल बना सकते हैं, तो ऐसे करके कई एडिटिंग आप इसमें कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना न्यू पेज ओपन करने के लिए। अब हम बात करते हैं GUI शॉर्टकट का उपयोग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी खोलना। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए सबसे पहले ओपनिंग का, इसमें ओपनिंग के लिए जाना है। अब आप एक बार हम आपको बता देते हैं कि इसमें, वो तो बाद में देखेंगे, पहले हम बताते हैं कि आपको इसमें किस प्रकार आपको काम करना है और किस प्रकार टाइपिंग करना है। तो टाइपिंग करते हैं आप सबसे पहले, जैसे आप, हम लिख रहे हैं स्मार्ट ऑल राउंडर इंटेलिजेंट कंप्यूटर, तो आपको इसमें जैसे कि ये जो स्पेलिंग त्रुटि है उसके नीचे रेड लाइन शो कर देगी, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेलिंग त्रुटि का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, तो ये रेड लाइन आप जब इस पर राइट क्लिक करोगे, तो राइट क्लिक करोगे तो इसकी जो है यानी मतलब स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग वो यहाँ से हो जाएगी हमारी इस स्पेलिंग में, उस स्पेलिंग में केवल जो अंडर, ये जो बीच में अंडर स्कोर है जो ये शो नहीं हो रहा था, इस वजह से ये रॉन्ग बता रहा है, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हुआ माइक्रोसॉफ्ट में टाइपिंग करना, आप स्पेशली इस पर टाइपिंग करके ज़रूर देखें एक बार, और फिर आप टेक्स्ट को डिलीट करना हम सिखा ही देते हैं। इससे देखो RECIT में क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले टेक्स्ट को डिलीट कैसे करते हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर डिलीट करना है तो आप इसे रिमूव करना है, तो पीछे से अगर ब्लिंक, अपना जो कर्सर है वो पीछे की तरफ ब्लिंक कर रहा है तो आप इसे पीछे से काटना चाहते हो तो इसे बैक स्पेस यूज करेंगे। अगर आप आगे से
इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आप डिलीट यूज़ करेंगे। तो डिलीट जो ऑप्शन है वो आगे से काम करता है, एंड बैक स्पेस जो ऑप्शन है वो पीछे के साथ में काम कर सकता है। तो ये आप याद रखना कि जो बैक स्पेस हैं, जो बैक स्पेस हैं बटन, वो काम करता है अपने राइट टू लेफ्ट की ओर, और जो अपना डिलीट जो ऑप्शन है जो काम करता है अपने लेफ्ट टू राइट, यानी आपने स्टार्टिंग से एंड की ओर की तरफ। तो ये स्पेशली RSET में इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि बैक स्पेस कहाँ से कहाँ की ओर टेक्स्ट को डिलीट करता है। तो आप याद रखना है कि राइट टू लेफ्ट की ओर, और डिलीट जो है वो ऑप्शन को जो आपने टाइप टेक्स्ट को डिलीट करता है वो लेफ्ट से राइट की ओर करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कॉपी और कट करना। तो आपको हम बताएंगे कट एंड पेस्ट कैसे करते हैं। तो ये कट और पेस्ट, इसमें जैसे ही हमारे पास बैक स्पेस ये हमने लिखा है तो आप इसे सिलेक्ट करें। हमने इसको सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट के साथ में आप नेविगेशन की यूज कर सकते हैं। तो अब कट का जो ऑप्शन है Ctrl+X है, इसे Ctrl+X से आप इसे Ctrl+X किया सिलेक्ट करने के बाद में, अब जब आप जहाँ पर आपको रखना है वहाँ पर आपको वहाँ पर अपना कर्सर लेके जाए, फिर आप वहाँ पर जाने के बाद में Ctrl+V वहाँ पर ऑप्शन प्रेस करें। तो Ctrl+V इस पेस्ट के लिए होता है और Ctrl+X कट के लिए होता है। तो कट करने के लिए मतलब है कि आप उसकी जगह चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए कट ऑप्शन काम में आता है। अगर आप वैसा ही सेम टेक्स्ट और यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप कॉपी का ऑप्शन यूज़ करेंगे। कॉपी का ऑप्शन के लिए Ctrl+C आता है काम में। तो आप इसमें जैसे कि नीचे की ओर आप यहाँ रखना चाहते हैं एक और डिलीट का ऑप्शन, तो ये आप Ctrl+C यूज़ कर रहे हो। तो अब हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड के बारे में। यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है, इस क्लिपबोर्ड में ये पेस्ट ऑप्शन है Ctrl+V जो हमने आपको अभी बताया है, उसके बाद में ये कट ऑप्शन है जो Ctrl+X के लिए है, इसके बाद में ये है कॉपी के लिए जो Ctrl+C है, इसके बाद में ये है फॉर्मेट पेंटर जो Ctrl+Shift+C है। अब हम आपको बता देते हैं कि इसके बारे में अभी RSET में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में कि Ctrl+Shift+C, जो Ctrl+Shift+C ये फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट है जिसके बारे में अभी क्वेश्चन आया था। आपको याद रखना है कि पेस्ट के लिए Ctrl+V है, कट के लिए Ctrl+X है, एंड कॉपी के लिए Ctrl+C है। अब हम नेक्स्ट होम के नेक्स्ट ऑप्शन में बात कर रहे हैं फॉन्ट के बारे में। ये फॉन्ट सबसे पहले आप यहाँ से जाके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ से, आप जैसे कि इसकी हमने जो टाइप किया है इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप क्लिक करके साइड में यहाँ से आप लैंग्वेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपराजिता एक लैंग्वेज ली है तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज हो गई। अब यहाँ से आप फॉन्ट के साइज़ चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट के साइज़ यहाँ से आप ले सकते हैं। आप हमारे एक एडवाइस है कि आप जो डॉक्यूमेंट टाइप करें उसकी फॉन्ट साइज, जो उसका टॉपिक है, जो मेन हेडिंग है, वो 16 16 लें साइज, और बाकी के जो टेक्स्ट आप जो टाइपिंग करोगे उसका 14 रखें। तो ये 16 और 14 ले लें, फिर बाकी आपकी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं आप। इसके अलावा आपको कैपिटल है जो ग्रो फॉन्ट के नाम से जाना जाता है, इसका शॉर्टकट है Ctrl+ > देन, लेकिन आप इसे यूज़ करोगे Ctrl+Shift > देन के साथ में ये काम करता है Ctrl+Shift > देन। यहाँ पर शिफ्ट लिखा नहीं है तो Ctrl+Shift > देन के साथ में ये ग्रो फॉन्ट काम करता है। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो ये बड़े होते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये पास वाला जो जो श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन है छोटा वाला, ए डिक्रीज द फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज को डिक्रीज करेगा, छोटा करेगा। तो आप देख रहे हैं ये, इससे फॉन्ट साइज वापस मिनिमाइज होंगे और इससे मैक्सिमाइज होता जाएगा। फिर हम बात करते हैं ये पास वाला जो स्पेलिंग सेंटेंस कैस के लिए काम आता है। अगर हम इन सबको लोअर केस में बदलना चाहते हैं तो लोअर केस पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट लोअर केस में डाल देगा। फिर इसके बाद में इसमें अपर केस के लिए, जैसे आपने टाइपिंग किया और अब आप चाहते हो कि इसमें सब कैपिटल लेटर होना चाहिए तो आप इस पर अपर केस पर सिलेक्ट करके इसे अपर केस में ही बदल सकते हैं। फिर इसके बाद में कैपिटल ईच वर्ड, यानी मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज बाकी सब स्मॉल हो, तो आप इस पर क्लिक करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो हो गया हमारे, देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल लेटर हो गए। फिर इसके अलावा इसमें थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब ये होता है नेक्स्ट फर्स्ट वाला जो लेटर है वो स्मॉल दिखेगा और बाकी सब कैपिटल लेटर शो होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्टार्टिंग वाला है वो स्मॉल लेटर है, बाकी सब कैपिटल लेटर में शो हो रहा है। तो इसे इसका जो नाम है वो चेंज केस के नाम से जानते हैं। आप इसे जो टेक्स्ट टाइप किया है उसके केस चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं बोल्ड के बारे में। इस बोल्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल बी, तो कंट्रोल बी पर जब आप क्लिक करोगे तो इससे बोल्ड हो जाएंगे, जो टेक्स्ट आपने टाइप किया वो बोल्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आया इटैलिक, इटैलिक जो है ये अपने फॉन्ट को तिरछा कर देंगे, तो इसके लिए कंट्रोल आई शॉर्टकट है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए आप कंट्रोल सी सॉरी कंट्रोल यू यूज़ करेंगे। ये अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेस्ट, ये जो हमारा टेस्ट जो सेलेक्ट हमने कर रखा है उनके अंडरलाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि नीचे अंडरलाइन आ चुकी हैं, और ये है स्ट्रिक थ्रो। स्ट्रिक थ्रो का मतलब जैसे सपोज करो आप कार्ड आपने कोई लेट टाइप किया है, टाइप करने के बाद में अगर आपको लगता है कि वो रॉन्ग है तो आप उसे काट भी सकते हो। तो स्ट्रिक थ्रो के द्वारा इसे आप यानी मतलब ऐसे रॉन्ग शो कर सकते हो इस तरीके से। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। सब स्क्रिप्ट जैसे आपको लिखना है A2, तो आप A2 इस तरीके से लिख सकते हैं सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करके। A2 हम इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसे यहाँ से A पर क्लिक करके मैंने बड़ा कर दिया है, ये A2 हो गया। फिर आप वापस इस पर क्लिक करके इसे हटा सकते हो क्योंकि ये टॉगल की है। फिर वापस हमने B2 लिखना है, तो आप इस पे वापस क्लिक करके वापस इसे सब स्क्रिप्ट बना सकते हो। तो ये हैं इसके बेस पॉइंट शो करने के लिए ऑप्शन है जो सब स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। फिर हम अगर स्क्वायर लेना है, जैसे कि A का स्क्वायर लेना है, तो आप A टाइप किया फिर इस पे क्लिक करोगे तो ये स्क्वायर पे चला जाएगा। फिर देख लिया आपने, फिर वापस इसे हटा दोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा कैश में। फिर आप B टाइप कर रहे हो तो B पर फिर वापस इस पे क्लिक करो तो ये वापस स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे शो हो जाएगा। तो एक हुआ सब स्क्रिप्ट, दूसरा है सुपर स्क्रिप्ट। फिर इसके बाद में ये जो है टेक्स्ट इफेक्ट के बारे इफेक्ट है, इसमें आप टेक्स्ट के इफेक्ट देख सकते हो कि किस तरीके से अपन के टेक्स्ट को दिखाना है। तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करोगे और फिर इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत तरह की डिजाइनें हैं, आप यूज़ करके देख लें, रिफ्लेक्शन, ग्लो, शेडो एंड आउटलाइन। आप इसमें कोई भी कलर लेके इसमें चेक कर सकते हैं, हम आपको एक लेके बता देते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इससे जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको हाईलाइट करने के लिए ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। आप इसे जैसे वो अंडरलाइन करना कहते हैं ना, तो ये अंडरलाइन का ऑप्शन है, इससे आप अंडरलाइन कर भी कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ से येलो कलर ले लिया है अंडरलाइन के लिए, इसे टेक्स्ट हाईलाइट कहते हैं। इसके बाद में जो ये है फॉन्ट कलर, ये अंदर के जो फॉन्ट आपने टाइप किए हैं उसके फॉन्ट के कलर को चेंज करेगा। तो आप यहाँ से जो भी फॉन्ट कलर लेना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद में ये जो ऊपर है ये है कलर क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके जितने भी आपने चेंजेस किए वो सब ऑटोमेटिक वापस हट जाएंगे। और ये है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी क्लियर फॉर्मेटिंग आपने जो भी टेक्स्ट पे इसमें जितने भी आपने इसमें चेंजेस किए वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे और वापस पुरानी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये हमने पढ़ लिया फॉन्ट के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो है पैराग्राफ। इस होम ऑप्शन में पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पैराग्राफ में आपको सबसे पहले ये जो ऑप्शन है बुलेट्स का, स्टार्ट है बुलेट्स लिस्ट। आप जब भी कोई लिस्ट बनाना चाहते हो जिसमें आप इसमें से यहाँ से ले कर सकते हो बुलेट लाइब्रेरी, जैसे आप यहाँ से 1 2 3 4 5 ऑप्शन लेते हो तो इसमें आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप ऑप्शन ले सकते हैं। और फिर इसके बाद में आ गया 1 2 3, 1 2 3 भी ये नंबरिंग लाइब्रेरी कहलाती है, इसमें से आप नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये है जो करंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है, इसमें आप यहाँ से आर्टिकल के लिए अलग अलग लिस्ट ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो ये है पैराग्राफ के लिए, तो आप ये पैराग्राफ यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ से आप बता देते हैं एक बार आपको प्रैक्टिकल करके। जैसे हमने यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लिया है, फिर वो हमने यहाँ पर पैराग्राफ में लाके रख देते हैं, तो ये हमारे पास टेक्स्ट हो गए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से बुलेट्स में जाके मैं बुलेट्स चेंज कर सकता हूँ। आप सेलेक्ट करो यहाँ से, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हमने, इन सेलेक्ट करने के बाद में इसमें बुलेट्स ऑप्शन सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं अपन।
आप एक बार बता देते हैं आपको कैसे करना है। यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको आप कोई भी चॉइस करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आप नंबरिंग में डालना चाहते हो तो आप नंबरिंग भी डाल सकते हैं, इसमें नंबरिंग भी हो जाती है। उसके बाद में ये करंट लिस्ट है, यहाँ से डॉट डॉट आप नॉन टाइप में लिस्ट टाइप रेंज से सिलेक्ट करके कोई भी ले सकते हो। इसके बाद में ये है पैराग्राफ एलिंगन टेक्स्ट लेफ्ट में, अगर आप इसे लेफ्ट में लेना चाहते हो तो यहाँ से कंट्रोल एल दबाएंगे आप और ये लेफ्ट में रहेगा। अभी तो ऑलरेडी ये लेफ्ट में है तो ये है मिड सेक्टर में। अगर आप बीच में लेना चाहते हो तो इसी में यूज़ करेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई, तो आप ये शॉर्टकट यूज़ करके भी ले सकते हैं। ये है राइट के लिए कंट्रोल आर, जिसे अलिंग टेस्ट लाइट राइट कहते हैं, जो जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल आर। इसे आप जब दबाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट में की ओर चला जाएगा। और ये है पैराग्राफ के लिए जस्टिफाई कहते हैं इसे, जैसे कि आपने हिस्टोरी टाइप की, कोई लेटर टाइप किया और उसको आप हर तरीके से सेट करना चाहते हो तो इसके लिए है जस्टिफाई का ऑप्शन। तो यह है कंट्रोल जे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक डिक्रीज इंडेंट। ये इंडेंट कहलाते हैं, जो इधर से यूज़ करना चाहते हो, जैसे आप टाइपिंग करना चाहते हो तो ये ऐसे इंडेंट काम करेंगे। तो आप इसको वैसे कम ही यूज़ करें, ये आप इंडेंट होता है, आप इसको इंडेंट में हम बता देते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप इसे शो कर सकते हो, ये इंडेंट ऊपर शो देख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो ये है इंडेंट इसके, तो ये तो है डिक्रीज इंडेंट यानी मतलब हटा देना इंडेंट को, और ये है इंक्रीज इंडेंट यानी मतलब थोड़ा सा स्पेस आपको मिलता है इससे, आप जब टाइपिंग करते हो तो साइड में हो जाता है हल्का सा, फिर और यहाँ से ही स्टार्ट होना यानी मतलब टाइपिंग होना स्टार्ट होता है। फिर यह है पैराग्राफ वाला, ये लाइन स्पेसिंग के नाम से जाना जाता है। अगर आप लाइन के बीच में जो आपने टाइप किया है उसके बीच में आप स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ से आप जो स्पेस की साइज़ है वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर दिया हुआ स्पेस है अगर आप हटाना चाहते हो तो आप रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको देना है तो यहाँ से भी आप दे सकते हो। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं हम। अब हम आगे की ओर बात करते हैं यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ए टू जेड के बारे में। ये ए टू जेड है, इसमें आप शॉर्ट टेक्स्ट देख सकते हैं, इसमें पैराग्राफ टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं। ये आपने जो पैराग्राफ टाइप किया आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है ए टू जेड एंड डिसेंडिंग का मतलब होता है जेड टू ए। तो आप इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से वो चेंज भी हो जाएगा। तो यानी मतलब जो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग इसको सेट कर देगा, तो जो ए के टी ए वाले हैं तो वो नीचे आ गए, इस तरीके से ये हो जाएगा ए टू जेड की तरफ, इसे डिक्रीज कहेंगे। इस तरीके से आप इंडेंट को चेंज यानी मतलब जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है उसे शॉर्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ को टेक्स्ट को। इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग इसको आप मिला हुआ है तो आप असेंडिंग पर क्लिक करके वापस ए टू जेड की ओर क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट और बात करते हैं, यह है बॉटम बॉर्डर। ये बॉर्डर टेबल के लिए काम आती है, जिसमें आप बॉर्डर यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ से ये जो है शेडिंग कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट के और पैराग्राफ, ये टेक्स्ट आपने जो टाइप किया है उसके बैकग्राउंड में जो कलर देने के लिए ये काम में आता है कि यानी मतलब आपने जितना भी ये आपने टाइप किया है इसके बैकग्राउंड में आप जो भी कलर देना चाहते हो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो यह है बैकग्राउंड कलर, इसे आप इसे थीम्स कलर भी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम ये जो है नेक्स्ट ऑप्शन शो हाइड, ये है वर्ड एक्सेल के लिए काम आता है। इसमें शो हाइड ये शो आपको यू बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या है। इस पर आप जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये शो क्लिक हो जाए। इसका नाम जो है इसका शो हाइड है, शो पैराग्राफ मार्क एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। ये जितने भी हिडन जो सिंबल्स हैं उसको शो कर देगा। उसके अलावा इसमें फॉर्मेटिंग सिंबल्स के नाम से भी जानते हैं, इसे आप क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं और इसे क्लिक करके हटा भी सकते हैं। जो नेक्स्ट है यह है नॉर्मल टेक्स्ट का, और फिर इसके बाद में ये जो है नो नो स्पेसिंग टेक्स्ट, और यह है हेडिंग वन स्टाइल और यह है हेडिंग टू स्टाइल। इस प्रकार आप अपनी हेडिंग जो आपने टेक्स्ट यूज़ किए हैं उसकी हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप इसमें बहुत तरह की हेडिंग है जो आप इसमें से यूज कर सकते हैं, कोई किसी भी तरीके से लेके आप इसमें से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं चेंज स्टाइल्स। यहाँ से आप टेक्स्ट जो आपने टाइप किया है उसके कलर, इसके फॉन्ट एंड पैराग्राफ स्पेसिंग यूज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपने ये फाइंड ऑप्शन होता है, जिसमें जैसे कि आपने यहाँ पर किसी एक स्पेलिंग को फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ से फाइंड का ऑप्शन यूज़ कर लिया मैंने, इसमें इसका शॉर्टकट कंट्रोल एच भी है।
आप इस फाइंड पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से फाइंड ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो आपको फाइंड करना है तो यहाँ पर आप नेविगेटर पर जाकर टाइप करेंगे। जैसे यहाँ से मुझे क्लिप फाइंड करना है तो आप इस यहाँ पर जो फाइंड करना है उसका नाम यहाँ पर टाइप करें और ये ले जाके वहाँ पर आपको छोड़ देगा। तो ये फाइंड ऑप्शन होता है। फिर इसके बाद में रिप्लेस ऑप्शन है, ये रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल एच है। तो आप जैसे यहाँ से किसी भी एक, जैसे आपने यहाँ पर विथ है, आप जैसे क्लिप है, इस क्लिप की जगह अगर आपको कोई और टाइप करना है तो आप यहाँ इससे पहले रिप्लेस ऑन करें। क्लिप की जगह जैसे आपको कुछ भी मान लो कि जैसे कि आपको प्रेस ऑन करना, यहाँ प्रेस लिखना है तो आप इस पर क्लिक करें, प्रेस लिख दें इसके रिप्लेस विथ में, और यहाँ से रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। फिर आप देखेंगे जहाँ पर वो था क्लिप वहाँ पर प्रेस हो गया। तो आप वापस चेक करें कि वो प्रेस हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ आप नेविगेटर में जाके वहाँ यहाँ पर लिख दें जो आपने अभी चेंज किया प्रेस, देखें कि वहाँ होगा, हुआ या नहीं हुआ, तो हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। फाइंड के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल एफ एंड रिप्लेस के लिए है शॉर्टकट कंट्रोल एच, और ये है सेलेक्ट करने के लिए जो सेलेक्ट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट्स। आप इस पे क्लिक करके आप इनको यूज भी कर सकते हैं। जैसे सभी को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सिलेक्ट हो जाता है। आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आप उस ऑप्शन में जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं, इंसर्ट की ओर। इस इंसर्ट में सबसे पहले आपको पेज ऑप्शन मिलेगा। पेजेस में सबसे पहले कवर पेज है। आप जब कवर पेज यानी मतलब है आपका बुक्स का पेज हुआ, आपका अखबार का पेज हुआ, आपके कॉमिक्स का पेज हुआ, आप उस पेज को कैसे, किस प्रकार आप इसमें क्रिएट करेंगे ये आपको यहाँ से मिलेगा। तो आप इस तरीके से आपको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आया ब्लैंक पेज। आप ब्लैंक पेज लेना चाहते हो न्यू, तो यहाँ से ब्लैंक पेज मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आप पेज ब्रेक करना चाहते हो, जैसे आपने टाइप कर लिया और अब आप चाहते हो कि नेक्स्ट पेज पर चला जाऊँ, तो ये पेज ब्रेक उसके लिए काम करेगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो टेबल्स हैं ऑप्शन। अब जैसे आपको टेबल्स बनाने हैं तो आप इस टेबल पर क्लिक करेंगे और जितने बॉक्स लेने हैं आपको यहाँ से आप इस टेबल में से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ पर आप जाके उस पर क्लिक कर दें तो ये आपका। अब हम बात कर रहे हैं इल्यूस्ट्रेशन, जिसमें सबसे पहले आपके पास पिक्चर्स आ रही हैं। पिक्चर्स में आप इस पेज पे जो भी पिक्चर्स लेना चाहते हैं इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पिक्चर्स पे ले जाके छोड़ देगा। फिर यहाँ से आप पिक्चर्स सेलेक्ट करके इंसर्ट को ऑप्शन दबा के आप पिक्चर्स ले सकते हैं अपनी इसमें। फिर इसके बाद में क्लिप का ये क्लिप आर्ट है, इस क्लिप आर्ट में आप इस गो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिप आर्ट मिल जाएगी सभी मीडिया की। तो आप यहाँ से क्लिप आर्ट लेके यहाँ से कोई भी आप एक आर्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप आर्ट भी लेना यहाँ से सीखेंगे एक बार। और फिर आप आते हैं शेप्स में। शेप्स में जो है ऑप्शन, शेप्स में इस तरह रिसेंटली यूज्ड शेप्स जो हमने जो रिसेंट यूज किया, इस तरीके से इसमें बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज एंड फ्लो चार्ट, इक्वेशन शेप्स, सब तरीके से आपको शेप्स मिल जाएगी। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं स्मार्ट आर्ट में। स्मार्ट आर्ट में चूज है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आपको मिलेंगे, जिसमें आप ऑल टाइप्स के ये देख रहे हैं ये आर्ट्स हैं। इसमें आप आर्ट्स कोई भी आर्ट्स आप सिलेक्ट करके अपने जैसे आप ग्राफिकल व्यू शो करना चाहते हो तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर हम जस्ट नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है चार्ट। ये चार्ट इसमें आपको कई तरीके से चार्ट दिखेंगे, जैसे आप किसी भी चीज़ का ग्राफ शो करना चाहते हो तो इस तरीके से आप ग्राफ को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम स्क्रीन शॉट पर बात करते हैं। जैसे कि आपने जो यहाँ से पढ़ाया है, अब यहाँ से स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले लोगे। तो ये आपका स्क्रीन शॉट का ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमें जैसे इतना स्क्रीन शॉट लेके वहाँ पर शो कराना है तो ये स्क्रीन शॉट यहाँ पर शो करा सकते हो। तो ये इसमें इंसर्ट में एक स्क्रीन शॉट का भी जो ऑप्शन है, आप इस तरीके से स्क्रीन शॉट ला के यहाँ रख सकते हो अपने इस डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये हो गया अपने सब, आपने ये देख लिया। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लिंक्स के बारे में। लिंक्स में आपके है हाइपर लिंक। हाइपरलिंक जैसे कि आप एक ही पेज में किसी और पेज का लिंक शो कराना चाहते हो तो इसके लिए हाइपरलिंक काम करता है। इसका शॉर्टकट आपके हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल के है। तो आप इस तरीके से कंट्रोल के को यूज करके इस हाइपरलिंक को भी यूज कर सकते हैं। बुकमार्क हैं, जो जैसे कि आपने क्रिएट ए डॉक्यूमेंट्स टू असाइन ए नेम टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन ए डॉक्यूमेंट्स। आप इस तरीके से आप कोई भी एक बुकमार्क्स क्रिएट कर सकते हैं कि भाई ये आपके इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में क्रॉस रेफरेंस है कि आपने जैसे जो टॉपिक आपने लिया है उसके बारे में अगर आप देना चाहते हो कुछ इन्फॉर्मेशन तो इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस आप इसमें ले सकते हो। फिर है हेडर फुटर। हेडर जो काम में आता है वो पेज का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसे अपन हेडर के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी लेटर पेड, तो लेटर पेड पर जो ऊपर स्टार्टिंग में जो आप पूरा परमानेंट होता है हर एक पेज में
सेम होता है। टॉपिक वो लेटर पेड का काम करेगा, हेडर एंड फुटर। इसमें आप वो टेक्स्ट टाइप यूज करके यहाँ से को जो भी लेना है वो लेके आप इसे यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार फुटर होता है, तो फुटर में पेज नंबर डाल के आप ये अल्फाबेट डाल के या ब्लैंक रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर। फिर ये पेज नंबर शो कराना चाहते हो, जैसे आपको पेज बॉटम पे नंबर शो कराना है, पेज नीचे टॉप पे शो कराना है, तो इस तरीके से आप पेज नंबर को भी यूज कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट आप इसे जैसे आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे उसमें कई तरीके से टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स को भी यूज़ करके इसको काम में ले सकते हैं। फिर है क्विक पार्ट्स में, जिसमें ऑटो टेक्स्ट है, ऑटो टेक्स्ट हो गया। फिर इसके बाद में जैसे ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, फील्ड है, इनको भी आप एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें। फिर ये वर्ड आर्ट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा थोड़ा बहुत, और आपको दिलचस्प भी लगेगा। आप इस वर्ड आर्ट को यूज़ कर सकते हैं, इसमें से कोई भी तरीके से एक आर्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप सिग्नेचर लाइन ले सकते हैं, यानी जैसे आपको सिग्नेचर करना है, जैसे आप लेटर पैड क्रिएट कर रहे हो और आपको नीचे सिग्नेचर शो करवाना है, तो आप यहाँ पर सिग्नेचर लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, डेट एंड टाइम भी शो करा सकते हैं, एंड ऑब्जेक्ट भी शो करा सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट में आप यहाँ से ऑब्जेक्ट ले सकते हैं कि एडोब फोटोशॉप का यूज़ करना है या एडोब फोटोशाइन का यूज़ करना है। इस तरीके से आप इस यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एजुकेशन के बारे में, इक्वेशन के बारे में, सॉरी। इक्वेशन में आपको मैथमेटिकली जितने भी आपको यहाँ पर आपको देखना है, सिंबल्स, टूल, स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर मैथमेटिकली आपको सभी मिलेंगे, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इनको। और इसमें सिंबल्स में आपको सभी तरीके से सिंबल्स मिल जाएंगे जो मैथमेटिक्स में काम में आते हैं, तो आप यहाँ से इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको सिंबल्स में क्लिक करके आप मोर सिंबल्स पर क्लिक करके सभी तरीके से सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं आपके पूरा, ये आपने देख लिया है इंसर्ट वाला टॉपिक कंप्लीट। हमारा मानना ये है कि अगर आपने ये वीडियो देखने के बाद में एक बार प्रैक्टिकल कर लो तो बेस्ट है आपके लिए, एक बार ज़रूर प्रैक्टिकल करके देखें इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो आपके पेज लेआउट, रेफरेंस एंड मेलिंग एंड रिव्यू एंड व्यू एंड डिज़ाइन, ये जो टॉपिक हैं आपके बचे हुए 6 टॉपिक्स हम बाद में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस जितना भी हमने पढ़ाया है एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।